Good morning, dear students. Today in this class we are going to do exercise 2.3. So this exercise 2.3 is related to the whole numbers, and we are going to use the properties of the whole numbers. So let us start with the very first question. Which of the following will not represent zero? इनमें से कौन से पार्ट्स हैं, यहाँ पर ए बी सी डी ई पार्ट्स हैं, इनमें से कौन से पार्ट्स हैं जो आपको जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं. वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन. ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी जीरो. ठीक है, जीरो डिवाइडेड बाय अ नंबर, जीरो डिवाइडेड बाय टू विल बी जीरो. टेन माइनस टेन क्या होता है? जीरो. जीरो ओवर टू इज ऑल्सो अ जीरो. तो कौन सा पार्ट जो है जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द जीरो. नाउ नेक्स्ट वाला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. अब उन्होंने क्या बोला, अगर दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है, दो नंबर होल नंबर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है जीरो कब होती है? या तो उन दोनों में से एक नंबर जीरो होगा या फिर दोनों ही जीरो होंगे. ठीक है, तो कहता कि जस्टिफाई करो कि ये दोनों ही, मतलब ये दोनों जीरो भी होने चाहिए एंड ये दोनों जो आपको पार्ट्स दे रहे हैं सो जस्टिफाई करो. तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला कि दोनों में से एक जीरो होना चाहिए. यस, अगर हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जीरो आता है. टू मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो. एक और नंबर ले लेते हैं, अगर हम फाइव ले रहे हैं तो फाइव को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर यू आर गेटिंग जीरो एज आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला बोला है और बोथ द नंबर शुड बी जीरो. ठीक है, सेकंड पार्ट में दोनों ही, अगर हमने जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपके पास क्या आंसर आ रहा है? जीरो ही आ रहा है. तो सेकेंड पार्ट है जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी जीरो. यस, इट इज पॉसिबल दैट बोथ द नंबर्स कैन बी जीरो. सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स. अब उन्होंने क्या बोला कि दो नंबर्स, होल नंबर्स की प्रोडक्ट वन है, तो क्या उन दोनों में से एक नंबर वन होना चाहिए या फिर दोनों ही वन होने चाहिए? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. इफ ओनली वन नंबर बी वन, देन हमने अगर एक नंबर को वन लिया और दूसरे को हमने सपोज मान लिया फाइव मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू फाइव. ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू सिक्स. तो हमें यहां पर वन नहीं मिल रहा, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? वन चाहिए. तो अगर हम ले लेते हैं दोनों ही नंबर्स, सपोज वन मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो ही आपके पास वन आएगा. ठीक है, तो आपका ये आंसर जस्टिफाई हो रहा कि हमें क्या होना चाहिए, ए दोनों ही नंबर अगर वन होंगे, इफ द बोथ द नंबर्स आर वन देन ओनली योर प्रोडक्ट इज वन, दैट इज वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी. ठीक है, तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में सेंटर में क्या साइन है? प्लस का. ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये आपका ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी एंड सी में. फाइन, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है. फर्स्ट पार्ट है 728 मल्टीप्लाई बाय 101. अब हमने जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया, 101 को ब्रेक करके हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में 100 प्लस 1 लिख दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले 728 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 728 को 1 से करेंगे. ठीक है, बारी बारी से करेंगे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, और यहां दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे. फर्स्ट 728 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, उसके बाद क्या है, 100 के बाद क्या, प्लस का साइन, तो यहां प्लस लगा दिया. फिर 728 मल्टीप्लाई बाय 1. अब यहां पर
728 को जब 100 से करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन 100 टू हैं, पहले टू जीरोज लगा देंगे, देन 728 को 1 से करेंगे, सेम नंबर ही रह जाएगा। किसी नंबर को जब 1 से करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने करी हुई है दिस वन, सो ये आपका सेम नंबर ही रह जाएगा 728 एंड विद 800, ठीक है, दैट इज 72,800 प्लस ये वाला सेम 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर आ गया। नाउ वी विल बी एडिंग दिस 72,800 प्लस 728, इनको प्लस करेंगे तो 7 प्लस 8 इज 15, 2 प्लस 1 इज 3, 73,528 आपके पास ये। नाउ वी विल डू पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी, 824 मल्टीप्लाई बाय 25। आप देखो यहां पर हमने 25 को ब्रेक करना है, 25 का मतलब क्या होता है 20 प्लस 5, ठीक है। आप क्या करेंगे, 825 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 824 को 5 से, तो 824 मल्टीप्लाई बाय 20, नंबर ऑफ जीरोस क्या है 1 है, देन उसके बाद 824 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 4 8, 2 2 4 एंड 8 2 16, दैट इज 16,480 आपके पास यहां पर आ गया। अब यहां पर 825 को 5 से करेंगे, दैट इज 5 4 20, 2 कैरेड, 5 2 10, 10 प्लस 2 इज 12, फिर 1 कैरेड हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, ठीक है, 40 प्लस 1 इज 41, ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, दैट इज 16,480 प्लस 4,120, इनको प्लस करेंगे, 8 प्लस 2 10, 5 4 प्लस 1 5 प्लus 1 is 6, 6 प्लस 4 10 होते हैं, फिर से 1 कैरेट, 20,600 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट इज ई पार्ट, 504 मल्टीप्लाई बाय 35। सो 504 मल्टीप्लाई बाय 35। अब हम देखो क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग 504 को ब्रेक कर देंगे, 504 का मतलब है 500 प्लस 4, ये ब्रेक करके यहां पर लिख देंगे 35। अब ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी करी यूज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर सेकंड में था उसको फर्स्ट में लिख लिया, क्योंकि होल नंबर्स में इस तरह से यूज कर सकते हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड देन द 504 बाद में लिख दिया, 504 को ब्रेक कर दो 500 प्लस 4। नाउ यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, 35 को पहले 500 से मल्टीप्लाई करो, 500 एंड 4 के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है, उसके बाद 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, एंड नंबर ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर 2, नंबर ऑफ जीरोस लगा दो, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर यू आर गेटिंग 175, दैट इज 17,500 आ गया। और यहां पर इसको 35 को 4 से करेंगे, 5 4 20, 3 4 12 प्लस 2 इज 140। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे आफ्टर द एडिशन, ठीक है, इनको प्लस करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग 17,640 एज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखने वाला है, स्टडी द पैटर्न, यहां पर आपको पैटर्न दे रखा है, ठीक है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है, यहां पर चेक करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, फिर 1 एंड 2 12 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 98, ठीक है, उसके बाद यहां पर फिर एक नंबर बढ़ गया, 1 2 एज इट इज रहा और साथ में 3 ऐड हो गया, एंड मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 987, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो ये नंबर्स यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 है। और आप एक चीज स्टडी करो, यहां पर 1 1 एज इट इज है, ठीक है, उसके बाद आपका 2 भी एज इट इज आ रहा है यहां से कॉन्टिन्यूसली, और उसके बाद यहां पर जो मल्टीप्लाई बाय 8 है वो सेम रहेगा, हर उसमें जितने भी आपने पैटर्न बनाने हैं उसमें मल्टीप्लाई बाय 8 सेम है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर आप चेक कर रहे हो, यहां पर 1 2 3 आ गया, फिर उसके बाद यहां पर 1 2 3 4 आ गया, यहां पर आपके पास 2 था, उसके बाद प्लस 3 हो गया, उसके बाद प्लस 4 हो गया, उसके बाद प्लस 5 हो गया,
अब हम आंसर की तरफ जा रहे हैं। आंसर की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर 9 था, उसके बाद 8 ऐड हो गया 9 में, 9 एज इट इज रह गया, हर एक में 9 एज इट इज है, मतलब हमें 9 एज इट इज ही लिखना है। उसके बाद 8 आ गया, 8 भी आपका कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। 8 के बाद फिर से एक और नंबर बढ़ गया 7, बैक काउंटिंग हो गई। उसके बाद फिर 987 लिख दिया, 987 के बाद फिर 6 आ गया, बैक काउंटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर से यहां पर 9876 लिखने के बाद बैक काउंटिंग 5 आ गई। अब हमने इसके, इन्होंने बोला है राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स, इसके नेक्स्ट टू स्टेप्स आपने लिखने हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या होएगा पहला नेक्स्ट वाला स्टेप। अब यहां पर देखो 4 था, उसके बाद 5 आ गया, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 एज इट इज ही है, प्लस 6 इज इक्वल टू, अब यहां पर 9 8 7 6 4 6 5, तो आपके पास ऑलरेडी दे रखा था 5 की बैक काउंटिंग 4 हो जाएगी। यहां पर अगर यहां पर 6 डिजिट नंबर है तो यहां पर भी आपका 6 डिजिट नंबर ही आएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर एज इट इज कॉन्टिन्यू रखा और साथ में एक और क्या हो जाएगा एड 7 एड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8। अब 6 के बाद कौन सी काउंटिंग आ रही थी 7, बाकी ये सारा नंबर पहले कॉन्टिन्यूसली लिख देंगे 9 8 7 6 5 4 और उसके बाद बैक काउंटिंग 3, ठीक है। अब आप यहां से फिर से मैं आपको दिखा रही हूं, यहां पर हमने क्या करा 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 8, यहां पर भी आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है सेम कंटिन्यू करेंगे, पहले 9 8 7 6 5 एंड 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर सेम कंटिन्यू होने के बाद इसमें 7 लिख देंगे, आपके पास आ जाएगा, आई एम राइटिंग इट हियर 1 2 3 4 5 6 तक तो हमने लिखा, साथ में क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं सारे पैटर्न में 8 से कर रहे हैं। अब 6 के बाद क्या नंबर आता है 7 आता है, ठीक है 7 लिख दिया। अब इक्वल टू का साइन मैं यहां लगा रही हूं, नंबर क्या आ जाएगा, ये नंबर पहले सारा एज इट इज लिख दोगे 9 8 7 6 5 4 और बैक काउंटिंग 4 के बैक में जाएंगे तो 3 आता है। तो दिस इज द आंसर। अब बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिस जिसके पास भी ये बुक है ना, ये व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके पास टोटल 16 स्टेप्स हैं, थॉरली स्टडी इनको करना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या हमने पढ़ा इस चैप्टर में, कि ये 1 2 3 क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं इनको, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इफ यू एड 1 टू द नेचुरल नंबर वी गेट इट्स सक्सेसर, ठीक है। सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर, अगर 1 में हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द प्रीडिसेसर, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज अ प्रीडिसेसर। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 का अगर हम नेचुरल नंबर देख रहे हैं तो 1 का प्रीडिसेसर जो है 0 होता है। 0 कहां, 0 को उसको मानते हैं होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये सारा यू विल बी स्टडिंग इट थॉरली। अब आपको होल नंबर्स की डेफिनेशन दे रखी है, वट एवर वी हैव डन इन द कंप्लीट चैप्टर, यहां पर आपको पूरा एक समरी बना के दे रखा है, एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रीड, ठीक है। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं अगर इसको आप थॉरली खुद पढ़ लेते हो बेटा ना। उसके बाद हमने करना है चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट दिस प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हमने क्या सीखना है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आई विल बी सेंडिंग यू द सेपरेट वीडियो फॉर दिस।